फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जो आप लोगों ने एक दिन पहले मेरा ब्लॉग देखा था, वो बहुत दिनों पहले से बना हुआ था और बीच में मैं बिल्कुल भी ब्लॉग ही नहीं बना रही थी। और लेकिन आज मैंने कहा कि चलो ठीक है, ब्लॉग बना दिया जाए। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिनों से एक भाई कमेंट कर रहे थे कि आपको ये वाला वीडियो बनाना है जो मैं बनाऊंगी। अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि कौन से वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि ये वाला वीडियो आप बनाइए। छोटे बच्चे के ऊपर है, क्योंकि वो कोई मेरा बच्चा तो आ नहीं रहा था, वीडियो बनवाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और फिर उसको जो वीडियो मिल रहा था वो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाह रहा था। तो फिर मैंने कहा कि दूसरे बच्चों को देखूंगी ट्राई करके, यानी वो अगर मेरे वीडियो में आना चाहे तो फिर उनको ले लूँगी, लेकिन दूसरे बच्चे में मुझे कोई नहीं मिले। फिर वो भाई कई दिनों से परेशान थे कि आप बना दीजिए वाला वीडियो बना दीजिए, लेकिन मुझे कोई बच्चा ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसके ऊपर वो वीडियो शूट करूँ। और मेरा बेटा तो आना ही नहीं चाह रहा था, और लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी परेशान थे। मैं भी सोच रही थी कि इसके ऊपर बनाऊं, और फिर जो है बीच में मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर वो मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही थी तब भी। लेकिन आज मैंने अपने बेटे से कहा, वो भी लालच देकर, कि मैं तुम्हें ये दिला दूँगी वो दिला दूँगी, तब वो ब्लॉग में आया। तो चलते हैं, देखते हैं। अभी उसने तो हाँ तो कर दिया है, तो मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जाते हैं और भाई का रिक्वेस्ट पूरा करते हैं। और बताइएगा आप लोग मैंने कैसा वीडियो बनाया, रिक्वेस्टेड वीडियो ही है तो बताइएगा कैसा बनाया। फिर ब्लॉग को आज कंटिन्यू रखूंगी, देखते हैं कितना ब्लॉग बन पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो कि अपने बच्चे के सिर में जुएं वाले कंघी से कंघी यानी करें। तो वही फिर ये रेडी ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद रेडी हुआ, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं इसके कंघी कर रही थी वैसे ही बहरूपी आ गए थे, फिर ये उठ के चला गया। तो बहुत ही छोटा ये ब्लॉग बना है, इसी चीज़ की रिक्वेस्ट थी। एक भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा, तो भाई देख लीजिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी की। और फ्रेंड्स, उसके बाद अभी है शाम का टाइम, शाम को मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो करेले की सब्ज़ी बनाई थी, तो बहुत ही अच्छी बनती है, इस तरह काट के भी अच्छी लगती है। भरवा करेले तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन कट करके बनाते वो भी अच्छी लगती है। एक दिन मैंने आप लोगों को रेसिपी इसकी शेयर की थी, रोज़ रोज़ क्या करना, तो देख सकते कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल चावल के साथ ये सब्ज़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और फ्रेंड, उसके बाद अभी शाम का ही टाइम है, और दूध देख सकते हैं पका दिया है मैंने। और आज मुझे बनाना था बैंगन का भरता, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो रेसिपी तो मैं फ़िलहाल नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं इस तरह से बुनती हूँ, क्योंकि कट करते हैं देखते हैं उसमें कीड़े वगैरह रहते हैं, अधिकतर बैंगन में रहते हैं, इनमें तो फ़िलहाल नहीं था, लेकिन बहुत सारे बैंगन में कीड़े रहते, तो मैं ऐसे ही चार तरफ से कट कर लेती हूँ, यानी चार उसमें भाग कर देती हूँ चाकू से, और एकदम से अलग नहीं करती हूँ। फिर उसको मैं जो है गैस में पकाती हूँ अच्छी तरीके से, फिर बहुत अच्छा चोखा इससे बनता है पका हुआ, यानी कि गैस में पका देते हैं तो बहुत उसका टेस्ट यानी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर देख सकते हैं अभी ये मैंने पका दिया है, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से टमाटर भी पक जाएंगे। क्या होता है इस तरह के इस समय के टमाटर जो है बहुत ज़्यादा लेट से पकते हैं, पता नहीं क्या कौन से टमाटर हैं, नहीं तो कोई कोई टमाटर तो बहुत जल्दी ही पक जाते हैं, लेकिन इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगा था। और बैंगन देख सकते हैं, बैंगन तो बहुत जल्दी ही पक गए थे, और चोखा भी बहुत ही टेस्टी बना था सच में। फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। पहले मैं ठंडियों में बनाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब गर्मियों में तो मैं फर्स्ट टाइम बनाई हूँ इस बार। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बैंगन लेकर आते हैं हम लोग, जब काटते हैं कीड़े निकलते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं करता बैंगन का भरता बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वो आज मैंने कट करके पहले देख लिया ही था, क्योंकि कभी कभी मन करता है बनाने का, तो देखते हैं कीड़ा है फिर नहीं बनाती हूँ मैं, और जब नहीं होते तभी मन करता है। लेकिन गर्मियों का फर्स्ट मेरा बैंगन का भरता है ये, और बहुत ही अच्छा बना था सच में। और इस तरह का अगर खाना मिल जाए तो खाना अच्छा लगता है मुझे। तो फ़िलहाल इस तरह का दाल चावल सब्जी रोटी से अच्छा तो मुझे ये
भरता वगैरह और चटनी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख सकते हैं बन गया है, अभी जाते हैं खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में। और देख सकते हैं ढेर सारी धनिया भी डाल दिया, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो खा लेते हैं, फिर मॉर्निंग में आप लोगों से मिलते हैं। और मॉर्निंग में मुझे जाना है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और यानी कि आज का ही ये व्लॉग है, और कल थोड़ा सा शूट किया था, उसके बाद देख सकते हैं आज का व्लॉग है। अभी मुझे बच्चों के स्कूल जाना था, तो मीटिंग ख़त्म कर लिया, स्कूल से ही मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था। मॉर्निंग में मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे वापस बच्चों के स्कूल से यानी मीटिंग करके, तो फिर वहाँ बैठे थे, तो इनके स्कूल में बहुत सारे पेड़ इतने प्यारे प्यारे लगे, नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे ये वाले देखिए, ये वाला बहुत ही प्यारा लग रहा था दोनों तरफ जो है। मैंने कहा इसका बना लिया जाए, जाते तो हर बार है लेकिन कभी भी मैं ज़्यादा स्कूल का बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा सा बना लिया जाए। तो बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। वैसे भी मैं सोच रही थी रील्स वगैरह बनाने की, लेकिन डर की वजह से मैं जो है नहीं बनाई, क्योंकि सभी को नहीं पसंद होता है हर जगह वीडियो बनाना, लेकिन मैं बना लेती हूँ कभी कभी पीछे से। तो देख लिया, चुपके से पीछे बना लेती हूँ मैं, पता तो चल जाता है लेकिन फिर थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। और वैसे अगर मैं रील बनाने जाऊं तो फिर कोई नहीं बनाने देगा। तो देख सकते हैं अभी मैं घर के लिए वापस आ रही थी, स्कूल बहुत पास है मेरे गांव से, जस्ट 5 मिनट का रास्ता है। तो अभी मैं घर वापस जा रही थी, फिर मुझे कुछ याद आया, काम मुझे कुछ लेना था, तो फिर हम लोग फिर रिटर्न हो लिए। और देख सकते हैं अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं स्कूल की तरफ ही, तो वहाँ कुछ लेना था, तो फिर ले के अभी फिर घर निकलते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं और देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, बात करते हैं कि नहीं शूट कर पाते हैं, क्योंकि नहीं कर ही नहीं पाते हैं इस समय। गर्मी में बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है व्लॉग बनाने का, आप लोग देख ही रहे होंगे, इस समय बिल्कुल भी मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। और देख सकते हैं उधर भी काम हो गया मेरा जहाँ मैं गई थी, फिर अभी मैं रिटर्न आ रही हूँ हाईवे की तरफ से। और इधर भी देख सकते हैं रास्ता आगे जाम पड़ी हुई, क्या होता है कुछ उधर से, क्योंकि बन ही रहा अभी नया हाईवे ये है, बन ही रहा है, फिर जो है एक ही तरफ से गाड़ियाँ आती है, तो फिर रुकावटें तो आती ही हैं, तो वही आ रहा था। और वहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी मैं, आज मुझे मिर्ची बनानी थी यानी मिर्ची का अचार बनाना था, तो वही फिर मैं बनाने लगी थी। पहले मैंने कट करके सुखा दिया था धूप में, सिर्फ बनाना ही बनाना था, मैंने कहा बना देते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा अचार बनकर रेडी हुआ था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी देखना है तो मैं शॉर्ट वीडियो देख डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा अचार बनता है ये वाला। और आम का तो बनता ही है, साथ में ये वाली जब मिर्च का बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी आम का भी बनाऊँगी, वो उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखिएगा। लेकिन अभी मैंने कहा मिर्ची का ही पहले डाल देते हैं अचार। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।